कोई भी पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसे ही हम खरीदते हैं तो मुझे पता नहीं रहता है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कितना दिन का है, कितना महीना का है, लैपटॉप कितना चला हुआ है, लैपटॉप का वर्जन क्या है, लैपटॉप कितना इंची का है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि लैपटॉप का कितना इंची का लैपटॉप है, 15 इंची का है या 17 इंची का है या 18 इंची का। इस टाइप से जो लैपटॉप होता है मुझे पता नहीं चलता है कि कितना इंची का होता है, और ये भी पता नहीं चलता है कि लैपटॉप जो है से कितना बार रीसेट हुआ है और कितना दिन जो है से लैपटॉप चला हुआ है, किसके नाम पर लैपटॉप है। कुछ भी हम लोग को पता नहीं चलता है जब हम पुराना लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे दुनिया का कोई भी लैपटॉप होगा जो आप मिनटों में जैसे किसी का चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप को जो है से कैसे पता करें कि लैपटॉप किसके नाम पर है, लैपटॉप में वर्जन क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, कितना यूज किया हुआ है, कौन सा क्या है, A to Z आपको जो है से बताएगा। इसका डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले में क्या क्या खराबी है, जिसमें बता देता है। उसमें एक सेटिंग और होता है, अगर कंप्यूटर में कोई खराबी रहेगा वो भी आपको बताएगा कि कंप्यूटर में प्रजेंट जो है से खराबी है लैपटॉप में। तो चलिए हम आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं कि कौन सा ट्रिक है और कैसे यूज करेंगे कि अपना लैपटॉप या किसी को लैपटॉप खरीदवाने जाते हैं तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लैपटॉप मुझे खरीदना है, यानी कि लैपटॉप पुराना है और मुझे खरीदना है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर आपको विंडो का ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो विंडो प्लस R को प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस करिएगा तो आपको इस टाइप से जो है से ऑप्शन आ जाएगा, और ये वाला बॉक्स में आपको जो है से कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। कुछ लिखा हुआ रहेगा तो इसको पहले जो है से खाली कर देना है, और यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है जो देख सकते हैं आप, DXDIAG, इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है से लैपटॉप का जो है से इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं कैमरा को आगे करता हूँ, करेंट डेट और टाइम जो है से इतना तारीख बता रहा है, कंप्यूटर नेम जो है से विशाल मतलब PC के नाम से सेव है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है से विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बाइट, इतना तारीख को जो है बिल्ड हुआ है, लैंग्वेज आप इंग्लिश जो है इसमें डाला हुआ है, सिस्टम मैनुफेक्चर HP यानी कंपनी जो है HP का है, सिस्टम मॉडल आप देख सकते हैं कि HP लैपटॉप है, 15DAO 3X बता रहा है, BIS सिस्टम जो है आपको वर्जन बता रहा है, प्रोसेसर इसका कितना है वो आपको जो है बता रहा है, मेमोरी इसमें कितना डाला हुआ है इसमें आपको जो है बता रहा है, पेज फाइल कितना है उसमें आपको बता रहा है, डायरेक्ट वर्जन जो है डायरेक्ट 11 जो है इसमें बता रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन क्या होता है। उस पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको फिर एक नया पेज दिखाई देगा जो कि इस पर सारा चीज़ जो है आपको लिखा हुआ रहेगा, नेम स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक एडोप्टर इसमें डाला हुआ है, मैन्युफैक्चर की बात करें स्टैंडर्ड डिस्प्ले टाइप है, मतलब डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है चिप टाइप जो है इसमें आप देख सकते हैं किस कंपनी का है, DAC टाइप, यह 8 बाइट का है। उसके बाद बहुत सारे इसमें जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेंट डिस्प्ले मॉडल आप देख सकते हैं कि 13×768 यानी कि 32 बाइट का जो है ये डिस्प्ले जो है अभी चल रहा है, और मॉनिटर की बात करें ग्रीन पैनल जो है से मॉनिटर जो है PNP मॉनिटर यहाँ पर जो है शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेन ड्राइव जो है से VGA है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्जन जो है 6.1 7600.1635 का है, डेट आप देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है से कब इसका जो है से अथी हुआ था, तो लैपटॉप 7/14/2009 इतना बजे ये लैपटॉप जो है से ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम जो है से ये बना था। उसके बाद नीचे देख सकते हैं कि नीचे एक बॉक्स दिखाई देता होगा जिसमें आपको साफ साफ दिखाई रहा है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे आपका कोई लैपटॉप कहीं पे खराब रहेगा या कुछ भी लैपटॉप में प्रॉब्लम रहेगा तो नीचे में आपको जो है नो प्रॉब्लम फाउंड, मतलब यहाँ पर अभी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रहेगा या कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं पर खराबी रहेगा तो आपको यहाँ से जो है सारा डिटेल जो है आपको बता देगा। उसके बाद हम साउंड में जाते हैं, साउंड में देखते हैं इसमें क्या क्या जो है इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से जो है इसमें आप जो है देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, क्या क्या इसमें टाइप जो है यूज हो रहा है। उसके बाद इनपुट में हम जाते हैं, इनपुट में भी यहाँ पर जो है आपको इस टाइप से जो है बता देगा। दोस्त
भी आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखें कि पुराना लैपटॉप खरीदने से पहले एक बार जो है इसे डीपली अंदर तक जो है इसे गहराई को चेक कर ले, उसके बाद आप बिंदास लैपटॉप ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।